नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इस ट्रेन में आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल द रेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नंबर 12859 गीतांजलि एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से वेस्ट बंगाल के हावड़ा जंक्शन तक चलती है। ये ट्रेन हर दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से सुबह 6 बजे चलती है। इस ट्रेन को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हावड़ा जंक्शन तक के 1962 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 30 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 25 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए हावड़ा जंक्शन पहुंचती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अब मैं आपको इस ट्रेन की केटरिंग या फिर खानपान से संबंधित जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में पेंट्री कार, ऑनबोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। इस ट्रेन में आपको दोनों टाइप के तत्काल, प्रीमियम तत्काल और तत्काल की भी सुविधा मिल जाएगी। अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकोमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ। ये ट्रेन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से हावड़ा जंक्शन तक। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं पर भी चेंज नहीं किया जाता और इस ट्रेन का लोकोमोटिव हमेशा WAP-4 या फिर WAP-7 होता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन या फिर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में 2 जनरल क्लास वाले कोच, 13 स्लीपर क्लास वाले कोच, 2 थर्ड एसी क्लास वाले कोच, 2 सेकेंड एसी क्लास वाले कोच और 1 पेंट्री कार वाला कोच इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में होता है। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन वाला पूरा लेआउट अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बनाया हुआ है। आप वहां से भी देख सकते हो कि इस ट्रेन के रेक कॉम्पोजिशन में कोचेस की पोजीशन क्या होती है। ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से छूटने के आधे घंटे पहले स्टेशन पर आकर लग जाती है। इस ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 3 घंटे पहले भारतीय रेल द्वारा बना दिया जाता है। अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर हावड़ा जंक्शन पहुँचती है और इस ट्रेन को कौन कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस ट्रेन की पूरी जर्नी में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, गीतांजलि एक्सप्रेस हर दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से सुबह 6 बजे चलती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट दादर सेंट्रल, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:12 पर पहुँचती है और 6:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट कल्याण जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन सुबह 6:52 पर पहुँचती है और 6:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट इगतपुरी, यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:40 पर पहुँचती है और 8:45 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट नासिक रोड, यहाँ पर ट्रेन सुबह 9:25 पर पहुँचती है और 9:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट जलगांव जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:58 पर पहुँचती है और 12 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठा हॉल्ट भुसावल जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:45 पर पहुँचती है और 12:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट मलकापुर, यहाँ पर ट्रेन दिन में 1:34 पर पहुँचती है और 1:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट शेगांव, यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:19 पर पहुँचती है और 2:20 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नवा हॉल्ट अकोला जंक्शन, यहाँ पर ट्रेन दिन में 2:50 पर पहुँचती है और 2:55 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है।
इस ट्रेन का 10वां हॉल्ट बडनेरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 4:10 पर पहुँचती है और 4:15 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट वर्धा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 5:19 पर पहुँचती है और 5:22 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट नागपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम 6:50 पर पहुँचती है और 7 बजे ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट भंडारा रोड। यहाँ पर ट्रेन शाम 7:49 पर पहुँचती है और 7:51 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट गोंडिया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 8:46 पर पहुँचती है और 8:48 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट राजनांदगांव। यहाँ पर ट्रेन रात 10:03 पर पहुँचती है और 10:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट दुर्ग जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 10:45 पर पहुँचती है और 10:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट रायपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 11:25 पर पहुँचती है और 11:35 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट बिलासपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 1:15 पर पहुँचती है और 1:30 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट रायगढ़। यहाँ पर ट्रेन रात 3:03 पर पहुँचती है और 3:05 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट झरसुगुड़ा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन रात 4:25 पर पहुँचती है और 4:27 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर भी ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट रौरकेला जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 5:42 पर पहुँचती है और 5:49 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 7 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां हॉल्ट चक्रधरपुर। यहाँ पर ट्रेन सुबह 7:08 पर पहुँचती है और 7:10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 23वां हॉल्ट टाटानगर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 8:05 पर पहुँचती है और 8:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 20 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 24वां हॉल्ट खड़गपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह 10:20 पर पहुँचती है और 10:25 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 25वां हॉल्ट संतरागाछी जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दिन में 11:49 पर पहुँचती है और 11:50 पर ट्रेन यहाँ से चलती है। यहाँ पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 26वां हॉल्ट हावड़ा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर 12:30 पर पहुँचती है। हावड़ा जंक्शन इस ट्रेन का डेस्टिनेशन हॉल्ट है, या फिर आप इसे अंतिम स्टेशन भी कह सकते हो। दोस्तों, मैंने इस ट्रेन के किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है, क्योंकि जितने भी स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए ये ट्रेन हावड़ा जंक्शन पहुंचती है। हर स्टेशन से अलग अलग टाइप का किराया होता है और बहुत सारी श्रेणियों में भी होता है। अगर मैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है। लेकिन अगर आपको किराए और किराए से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इंडियन रेलवेज़ के रिजर्वेशन काउंटर या फिर इंडियन रेलवेज़ के ऑफिशियल वेबसाइट IRCTC से आप क्लियर कर सकते हो कि आपका किराया क्या होगा जिस भी स्टेशन से आप इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।